टोहाना में प्रदेश सरकार जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। आपको बताते चले, लगातार किसान भी जैविक खाद को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। रासायनिक उर्वरक के फसलों पर दुष्प्रभाव के चलते जैविक खेती को अब टोहाना में भी बढ़ावा मिलने लगा है। आपको बताते चले, जैविक उत्पाद पूरी तरीके से विषरहित होते हैं, जिससे सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। टोहाना में प्रदेश सरकार जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत नजर आ रही है। वहीं किसान भी जैविक खाद को लेकर जागरूक हैं। रासायनिक उर्वरक के फसलों पर दुष्प्रभाव के चलते जैविक खेती को अब टोहाना में भी बढ़ावा मिलने लगा है। जैविक उत्पाद पूरी तरीके से विषरहित होते हैं, जिससे सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। टोहाना में प्रदेश सरकार जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। वहीं किसान भी जैविक खाद को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। रासायनिक उर्वरक के फसलों पर दुष्प्रभाव के चलते जैविक खेती को अब टोहाना में भी बढ़ावा मिलने लगा है। जैविक उत्पाद पूरी तरीके से विषरहित होते हैं, जिससे सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।